वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक्स। अभी हम दोस्तों आ चुके हैं अंतरिक्ष अब्रिल में, जो कि सिचुएटेड है वृंदावन योजना में, और यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं पोजिशन सून। तो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मूवमेंट है, क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ रितेश शर्मा जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टेट टॉक्स में। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे होर्डिंग्स बोर्ड लग गई हैं पोजिशन सून, तो हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। उससे पहले थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनका थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल और प्रोजेक्ट अंदर बताइए हमें। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट हमारा लखनऊ का पहला प्रोजेक्ट है और हम दिल्ली NCR के बिल्डर हैं, जो कि 55 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुके हैं। अच्छा। और 35 साल पुराने बिल्डर हैं। 35 साल पुराने बिल्डर, हाँ। तो एक बेंचमार्क हम ऑलरेडी दे चुके हैं दिल्ली के लिए। लखनऊ का पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 11 वृंदावन योजना, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है। नियर बाई आपके PGI है, यहाँ पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पे आपका शहीद पद भी है, सरदार पटेल डेंटल कॉलेज। लुलू मॉल आपका 3.5 किलोमीटर पे है। मेदांता हॉस्पिटल आपका है 3 किलोमीटर पे। तो नियर बाई आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं, तो लोकेशन बहुत प्राइम है। यहाँ से एयरपोर्ट और चारबाग स्टेशन भी काफ़ी पास में है। लोकेशन तो बहुत प्राइम है। तो इन्वेस्ट करेगा आदमी या फिर आदमी एंड यूज पर्पज़ से, यानी कि रहने के पर्पज़ लेगा, तो दोनों ही तरह से बेस्ट है। सामने एक लैंड पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, वो डिफेंस एक्सपो यहीं पे लगता है, यहीं बननी है, तो ये ग्रीन ही रहेगा हमेशा, राइट। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये हमारा, जिसमें कि हमारा जो फ्रंट है 200 फिट प्लस फ्रंट है। अच्छा। इतना बड़ा फ्रंट वृंदावन योजना पे जल्दी नहीं है किसी के पास में, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट हमारा प्राइम बनता है, तो लोकेशन काफ़ी प्रीमियम हो गई है। 2.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में जो टावर्स हैं हमारे, हमने इसको 3 ब्लॉक में बांटा है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक। ए और बी ब्लॉक का सुपर स्ट्रक्चर रेडी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये G+13 का हमारा फ्लोर है इसमें, और एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं। अभी जो हमारे पास इन्वेंट्री बची हुई है वो 2 BHK की मैक्सिमम इन्वेंट्री है, अगर किसी भी फ्लोर पे आदमी चाहेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। 3 BHK हम लोग सोल्ड आउट कर चुके हैं, वो हमारे पास 4-5 इन्वेंट्री बची हुई है। तो 3 BHK में अगर हम बात कर लेते हैं तो 1410 स्क्वायर फीट का हमारा साइज़ है, और अगर हम बात करते हैं एक दूसरा 3 BHK है वो हमारा 1535 है, उसका टावर अलग है, वो बी टावर है। 1410 वाला जो है ए टावर में है, और 2 BHK हमारे मैक्सिमम है, जिसका साइज़ हमारा 1000 स्क्वायर फीट है। खास बात यह है कि 1000 स्क्वायर फीट में हम लोग कारपेट एरिया ज़्यादा दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 745 स्क्वायर फीट के आसपास में आपको कारपेट मिलेगा, क्योंकि लोडिंग हमारी कम है। तो ये एक खास बात है कि अगर कोई भी कस्टमर लेता है तो उसको रहने के लिए कारपेट एरिया ज़्यादा मिल रहा है, प्लस डबल बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं, जो कि बिल्डर्स ऑलमोस्ट मिस करते हैं। अगर 2 पार्किंग भी कोई लेना चाहे तो हम उसको दे सकते हैं, पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है फ्लैट बनने के बाद। सही है। प्लस विस्टर पार्किंग हमारे पास अलग होगी। 35,000 स्क्वायर फीट का हमारे पास में ग्रीन एरिया है। इसके अलावा टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जितनी भी अमेनिटीज़ हैं ये हम पूरी डेवलप करके दे रहे हैं, लाइक जैसे कि हमारे पीछे एजिया करके प्रोजेक्ट है उसी की तरह से। ठीक है, तो सर आपका सैंपल रेडी है इसमें? सैंपल रेडी है, हम लोग सैंपल देखते हैं पहले। आइए चलते हैं सैंपल की तरफ, फिर देन प्राइस से बात करते हैं। तो सर आप हमें कौन सा सैंपल दिखाने वाले हैं? अभी आपको हम सैंपल दिखा रहे हैं 3 BHK 1535 स्क्वायर फीट, ये सबसे बड़ा साइज है हमारा। अच्छा। जिसकी अभी बहुत ही मिनिमम 1 इन्वेंट्री बची होगी, बाकी 1410 1 स्क्वायर फीट मैंने आपको बताया था। सिर्फ फर्क दोनों में ये है कि उसमें हमारा एक टॉयलेट नहीं है, इसमें 3 टॉयलेट है, उसमें 2 टॉयलेट है, राइट। तो अभी मैं इसका 3 BHK का सैंपल आपको दिखाता हूँ, 1535 स्क्वायर फीट। हाँ, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 BHK का सैंपल देख सकते हैं, 2 BHK का भी एक आइडिया लगा सकते हैं, बाद में हम 2 BHK का भी सैंपल बनाएंगे सर के साथ बातचीत करके। तो एंटर करते ही प्रॉपर आपको ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस देखने को मिलता है। ये ड्राइंग डाइनिंग है हमारा, इसी के साथ अटैच आपका ये मिलेगा हमारा किचन एरिया, जिसके साथ में एक यूटिलिटी बालकनी है। बालकनी का स्पेस, बालकनी का स्पेस काफ़ी चौड़ा आपको दिखेगा यहाँ पर। यूटिलिटी बालकनी किचन के साथ होना बहुत मस्त है, बट कुछ ही बिल्डर के हमें देखने को मिलता है यूटिलिटी बालकनी। प्रॉपर यहाँ से यूटिलिटी बालकनी है, और यहाँ से भी विंडो दी गई है प्रॉपर एयर के लिए, और ड्राइंग कम डाइनिंग से आपने बालकनी भी वहाँ भी दी है सर, है ना? हाँ, एक बालकनी है ड्राइंग डाइनिंग के साथ में भी है, मतलब आपको डे में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन है।
और सामने आपका ये रोड है, ऑन रोड। ऑन रोड जितने भी 3 BHK हमारे हैं सामने की तरफ, वो पूल फेसिंग रहेंगे। अच्छा, रोड फेसिंग, पूल फेसिंग। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जो कि वुडन फ्लोरिंग के साथ मिलेगा, थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए। इसी के साथ में एक अटैच बालकनी भी है। काफी बड़ा रूम है। आइए देखते हैं, वार्डरोब के लिए हॉलो स्पेस रहेगा। और यहाँ पे आपका ये मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम, काफी अच्छी आपने यहाँ पर फिटिंग्स लगा, जो भी फिटिंग्स हैं वो ब्रांडेड हैं। प्लस इसके साथ में ये एक बालकनी, काफी बड़ी बालकनी दी आपने, स्पेशियस। हाँ, इसकी बालकनी काफी बड़ी है, ये कम बड़ी बालकनी, खाली एक बेडरूम से है, लोग इसमें दो बेडरूम कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बालकनी से। बाकी सामने जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर आपका बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट आएगा। इसके जितना भी पूरा एरिया है वो डबल बेसमेंट पार्किंग का है। अच्छा, नीचे डबल। और क्लब एरिया भी यहीं यहाँ पर बनेगा। अच्छा, तो जितने भी इधर के सामने 3 BHK हैं वो सब पूल फेसिंग, रोड फेसिंग और क्लब के साथ में मिलेगी। क्लब के साथ में मिलेगी। हाँ, बाकी सामने रोड है, ये हमेशा ग्रीन रहेगा एरिया सामने। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, रूम का साइज काफी बड़ा है। तो हमने पहला बेडरूम देखा, ये दूसरा बेडरूम है हमारा जी, ये कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। और इस तरफ दूसरा बेडरूम जिसके साथ में अटैच बालकनी। आपका फ्लैट कहीं से भी 1535 स्क्वायर फीट का नहीं लग रहा, काफी बड़े रूम साइज आपने दिए हैं। यस, बिकॉज कारपेट एरिया हमारा ज्यादा है, मतलब हमने लोडिंग कम रखी, लोडिंग कम रखी है आपने। हर बेडरूम में आपको बालकनी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, इस बेडरूम से उससे भी बड़ी बालकनी लग रही है मुझे तो। ये इतनी बड़ी बालकनी खाली एक रूम से, आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ तक आ रहा हूँ, इतनी बड़ी स्पेशियस बालकनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्डरोब का डेप्थ और रूम का साइज भी काफी आइडिया लगा सकते हैं आप। ये पूरा डबल बेड का साइज है, बड़ा साइज। अटैच आपका यहाँ पे वॉशरूम, इसके साथ में काफी स्पेस है, काफी रूम स्पेस में। सही कह रहे हैं, बेड लगने के बाद ही काफी स्पेस यहाँ पे बच रहा है, 4 फीट का स्पेस बच रहा है। ये एक किड्स रूम है, हमारा तीसरा बेडरूम है। और इससे भी आपने एक बालकनी दी हुई, उसके साथ भी एक बालकनी है। तो दिन में देख रहे हैं आप, लाइट जलाने की जरूरत नहीं। और इसकी भी बालकनी बड़ी है, तो टोटल आपके पास फ्लैट में 5 बालकनियां हैं, अटैच हैं एक हाँ। रूम के साथ में। अच्छा, ये बालकनी दोनों रूम से अटैच। हाँ, अटैच्ड है। अटैच, सही है, काफी बड़ी बालकनी आपने दी। तो सर, हमने फ्लैट देखा, काफी अच्छा फ्लैट है, 2 BHK। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 BHK हमने देखा। तो सर, प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है अभी पर स्क्वायर? प्राइस रेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर इस सेक्टर पे, वृंदावन योजना के सेक्टर 11 की अगर हम बात करें, तो सेक्टर 11 में जो रेट चल रहा है, जो डिलीवर हो चुके हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो वो रेट करीबन 6,000 से 7,000 के बीच का है अभी, क्योंकि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, हम लोग पोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा रेट 5,500 रुपीज स्क्वायर फीट का है, मतलब अभी कम है। यही सही समय है फ्लैट परचेज करने का, क्योंकि जब तक हम पोजीशन पे जाएंगे वो रेट ऑलमोस्ट यही सेम हो जाएगा, क्योंकि यही रेट ही है यहाँ पर। तो अभी जिसको भी लेना है, तो 2 BHK की इन्वेंट्री हमारे पास अच्छी खासी है, अपने मन मुताबिक फ्लोर ले सकता है, क्योंकि लास्ट तक पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते 3 BHK वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री नहीं दे पाएंगे। राइट, ओके, थैंक यू। तो 5,500 प्लस अदर चार्जेस एंड GST सब चीज़ें हैं सर? हाँ हाँ हाँ, 5,500 प्लस अदर चार्जेस एंड GST और रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्री। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।